वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था लाइट का क्या अफेक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट हमने डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ये फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें थर्मल फैक्टर यानी कि टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर को थर्मल फैक्टर भी बोला जाता है। तो ये जो टेम्परेचर और थर्मल फैक्टर होता है, टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। कोई सब्सटेंस कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको ही उसका टेम्परेचर बोलते हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। सारे की सारे जितने भी फिजियोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एवरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच इट शोज मैक्सिमम मेटाबोलिक रेट। और हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन का, ठीक है, हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो मैक्सिमम मेटाबोलिक रेट शो करता है, ठीक है। जैसे कि एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स की भी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है कि इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम है वो अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा, तो उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। वैसे ही हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम मेटाबॉलिक रेट शो करती है। द टेम्परेचर वैल्यू आर मैक्सिमम एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर होते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, पोल्स की तरफ टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं अर्थ के ऊपर तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 60 degrees Celsius। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो इस 0 to 60 degrees Celsius वाले जो टेम्परेचर रेंज है इसके बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, सेल्ड प्रोटोजोन्स यानी कि उनके ऊपर एक शेल होगी, या फिर ड्राई सीड्स और सर्टेन यीस्ट, ये जो है इससे हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, इससे लो टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मोस्टली जो रेंज होती है वो 0 to 60 होती है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाई हायर टेम्परेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म उनके हायर टेम्परेचर, अगर उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो एंजाइम्स हैं, उनके जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन या सिग्नेचर होते हैं, तो जैसे ही उसको हीट ज़्यादा दी जाएगी वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन एंजाइम्स की डीनेचुरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ जो है वो लो टेम्परेचर की के अंदर, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स की फ्रीजिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो किल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर दोनों के अंदर ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाई टेम्परेचर के अंदर क्योंकि उसके एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, डीनेचर होने के बाद वो फंक्शंस जो उनको करना था वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और लो टेम्परेचर के अंदर उनके बॉडी फ्लूइड्स जम जाएंगे। एक्सेप्ट ड्राई सीड्स, स्पोर्स, सिस्ट विच हैव नो वाटर, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं वहां पे। एवरी स्पीसीज हैज इट्स ओन मैक्सिमम ऑप्टिमल मिनिमम टेम्परेचर फॉर इट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हर एक स्पीसीज का, ठीक है, हर एक स्पीसीज का अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है कि इसके नीचे सर्वाइव नहीं कर सकती है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि उसके अबाव सर्वाइव नहीं कर सकती है, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, उसका मैक्सिमम एक्टिविटी का टेम्परेचर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी, टेम्परेचर टॉलरेंस, मेटाबॉलिज्म, थर्मल रेगुलेशन, वेरिएशंस, सेक्स रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर होते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? इन एनिमल्स द मेच्योरेशन ऑफ गोनेट्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, गोनेट्स की मेच्योरेशन होती है। एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू आर आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये कैसी होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, विच वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। और ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टेम्परेचर हर स्पीसीज का अपनी इस एक्टिविटी के लिए अलग अलग उसका टेम्परेचर होता है। जैसे कि ब्लो फ्लाई के अंदर, ठीक है, कैलिफोरा सेरिकेट के अंदर द नंबर ऑफ एग्स लेड पर फीमेल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू 32.5 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर है इसका 32.5, इस टेम्परेचर तक, ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज तक, यहाँ पे 30 ये टेम्परेचर आ गया है, तो इस टेम्परेचर रेंज तक ये क्या करती है, इंक्रीज करती है नंबर ऑफ एग ले ज्यादा करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये एग लेइंग ज्यादा करती है, लेकिन सिर्फ क्या करती है, इस 32.5 डिग्री टेम्परेचर तक करती है। उसके बाद आफ्टर विच द नंबर डिक्रीज, इसके बाद नंबर जो है इस टेम्परेचर के बाद नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये इसका यहाँ तक ऑप्टिमम आता है, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्रोटोगोनस ट्रैकिप्टेरिस एग लेइंग इंक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेचर इसका है 25 to 30 degrees Celsius, ठीक है, 25 से 30 डिग्री के बीच में क्या करती है, एग लेइंग इंक्रीज करती है। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया कि टेम्परेचर कैसे रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। दिस टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द फिकंडिटी, ठीक है, टेम्परेचर फिकंडिटी को भी अफेक्ट करता है। ये फिकंडिटी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ लेड एग इंक्रीज हो जाते हैं फिर डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है किसी भी एनिमल की, तो इसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो रिप्रोडक्शन जो मैच्योरेशन होती है गोनेट्स की एंड स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू की जो एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल ले हम ब्लो फ्लाई का, ब्लो फ्लाई के अंदर क्या होता है, 32.5 डिग्री सेल्सियस तक एग लेइंग इंक्रीज होती है, लेकिन जब ये टेम्परेचर आ जाता है इसके बाद एग लेइंग डिक्रीज हो जाती है। एंड एक और एग्जांपल है यहाँ पे क्रोटोगोनस का, इसके अंदर एग लेइंग 25 to 30 degrees Celsius तक इस टेम्परेचर रेंज के अंदर इंक्रीज होती है। एंड इसके अलावा टेम्परेचर जो है फिकंडिटी ऑफ एन एनिमल इसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है कैपेसिटी है उसको भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। सेकंड है यहाँ पे ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को ये कैसे अफेक्ट करेगा। ऑस्ट्रिया वर्जीनिया के अंदर लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 1.5 to 10.3 mm विद एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 20 degrees Celsius, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉडी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन कैलिफोरा ब्लो फ्लाई के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वाइल इन मैकेरल इसके अंदर टाइम जो है टेकन इन हैचिंग एग्स डिक्रीजेस फ्रॉम 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एग जो हैचिंग है एग्स की वो डिक्रीज हो जाती है इस टेम्परेचर रेंज के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें टाइम आवर्स के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस पे ये ले रहा है 2007 आवर्स एंड 21 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर डिक्री ये आवर्स डिक्रीज हो गए, इंक्यूबेशन पीरियड डिक्रीज हो गया है, यानी कि सिर्फ 51 आवर्स के अंदर ये क्या कर रहा है, इंक्यूबेट हो जा रहा है। तो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को भी जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजी को कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है, साइज हो गई, बॉडी की शेप हो गई, किसी के ऊपर फर हो गए, उसके अपेंडेजेस हो गए, तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर बर्गमैन रूल, एलेंस रूल, जॉर्डन रूल, ग्लोगल एंड रेंसिज रूल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रूल्स एंड इकोलॉजी के अंदर, ठीक है, ये वीडियो है रूल्स एंड इकोलॉजी, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आती है टेम्परेचर टॉलरेंस। ठीक है, टेम्परेचर टॉलरेंस की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है? एक होता है यहाँ पे यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? दिस कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस क्या कर सकते हैं? ये टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोप्स, टोड, वाल लिजार्ड और मैन, ये हो गए, ये इस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे होता है स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? कैन टॉलरेट ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही ये टॉलरेट कर पाते हैं। टेम्परेचर की जो वेरियंस वेरिएशंस होती है, टेम्परेचर अगर एकदम से ज्यादा बढ़ गया है तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, थोड़ी बहुत वेरिएशन हुई है, ओनली स्मॉल रेंज वेरिएशन हुई है, तो ये टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे कि कोरल्स, स्नेल्स एंड फिश, ये इसके एग्जाम्पल हो। तो ये यूरीथर्मल हो सकते हैं और स्टीनोथर्मल हो सकते हैं। थर्ड वन इज द मेगा थर्मल ऑर्गेनिज्म, जो कि हाई टेम्परेचर। मेगा मीन्स बड़ा, बड़ा यानी कि हाई। ठीक है, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो इनकी टेम्परेचर टॉलरेंस हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं। और मीजो थर्मल, मीजो मीन्स मीडियम, बीच का, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग एट हाई समर टेम्परेचर एंड लोअर विंटर टेम्परेचर। ठीक है, हाई समर टेम्परेचर एंड लोअर विंटर टेम्परेचर के अंदर ये रहते हैं। और माइक्रो थर्मल यानी कि छोटा, स्मॉल, तो ये मॉडरेट समर एंड टेम्परेचर एंड लो विंटर टेम्परेचर के अंदर रहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे टेम्परेचर टॉलरेंस होती है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। न्यूरी थर्मल क्या कर सकता है? वाइड वाइड रेंज के अंदर रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, फिर टॉलरेट कर सकता है। स्टीनोथर्मल एक नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकता है। मेगा थर्मल ये क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं। मीजोथर्मल ये हाई समर टॉलरेंस होते हैं एंड लो विंटर टेम्परेचर होता है इनके अंदर। एंड माइक्रो थर्मल, इसके अंदर मॉडरेट समर टेम्परेचर होता है एंड लो विंटर टेम्परेचर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर टॉलरेंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स की। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाबोलिज्म, कैसे टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सीम टू रिमार्केबल इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन एनिमल्स, मेनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन। अब जो एंजाइम्स की रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर एंजाइम कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या कर सकती है यहाँ पे, वो अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि चर्पिंग ऑफ अ ट्री क्रिकेट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो क्रिकेट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो ट्री के ऊपर वो उनकी जो चर्पिंग होती है, वो एक आवाज निकालते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म का अफेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन जो है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइड ओवर वेरी लो और वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई है बिल्कुल वेरी वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर रहता है, कोई है जो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर रहता है, तो इनके अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। तो इसके अंदर एंसिस्टमेंट होती है, हाइबरनेशन होती है, स्टाइवेशन होती है, पीरियोडिक एक्टिविटी होती है, साइक्लोमोर्फोसिस होती है, थर्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस होती है, एंड इनका बिहेवियर होता है। तो अगर हम इनको देखें, सबसे पहले एनसिस्टमेंट यानी कि ऐसे ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर एक सिस्ट वॉल क्रिएट हो जाती है, एक सिस्ट वॉल डिवेल्प हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एंड काइटेनियस प्रोटेक्टिव कोट। ठीक है, ये जो वॉल होती है ये कैसी होती है? हार्ड होती है, काइटिनियस होती है, काइटिन की बनी होती है, और एक प्रोटेक्टिव कोट होती है, इसको सिस्ट बोला जाता है, जो कि अराउंड द बॉडी होती है। तो सिस्ट अराउंड द बॉडी, और इसी को एंसिस्टमेंट बोला जाता है। ये कॉमनली अमीबा, यूग्लिना और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है। एंसिस्टेड कैप्सूल यानी कि ये जो यहाँ पे हमने बात की थी, ये बॉडी है और इसके बाहर ये सिस्ट वॉल बनी है। ठीक है, इसके बाहर ही सिस्ट वॉल बनी है, तो ये जो यहाँ पे एंसिस्टेड कैप्सूल है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंसिस्टेड कैप्सूल। कैप्सूल इसके अंदर है और इसने इसके बाहर एंसिस्टमेंट प्रेजेंट। तो ये जो एंसिस्टेड कैप्सूल है आर फॉर्मड इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लूक्स, टेपवर्म्स एंड निमेटोड्स।
ठीक है, ये क्या होते हैं लाइफ साइकिल जो फ्लूक्स की होती है, टेप वर्म्स की होती है, निमेटोड्स की होती है, उनके अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमें विंटर के टाइम पे नजर नहीं आते हैं, लाइक लिजार्ड हो गई, हमें विंटर के टाइम पे नजर नहीं आती है, तो वो हाइबरनेट हो जाती है, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है, इसलिए वो हाइबरनेट हो जाती है, वो विंटर स्लीप के ऊपर चली जाती है। इस पीरियड को पीरियड ऑफ डोरमेंसी बोला जाता है, यानी कि एक तरह से इनएक्टिवनेस बोल सकते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं ये ड्यूरिंग विंटर। पोइकिलोथर्मस और एक्टोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, लाइक एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स जैसे कि वाल लिजार्ड हो गई, एंड सम होमियोथर्मस जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक इंसेक्टिवोरस, बैट्स, ग्राउंड स्केल, जंपिंग माइस एंड वुड जंक्स अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विच द बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट, रेट, एनर्जी रिक्वायरमेंट आर ग्रेटली रिड्यूस। तो जब ये विंटर स्लीप पे जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घट जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट घट जाती है, इनका बॉडी टेम्परेचर घट जाता है, बॉडी टेम्परेचर घटा, मेटाबॉलिक रेट घटा इसका, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट घट गई, तो ये उस टाइम पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि इसमें हो सकते हैं एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉक्स हो सकते हैं, वाल लिजार्ड हो गई रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ होमियोथर्मस हो गए जिसकी वार्म ब्लडेड जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर जैसे कि इंसेक्टिवोरस हो गए, बैट्स, ग्राउंड स्क्वेल, जंपिंग माइस, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स होंगे जो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। एंड मेन पॉइंट है यहाँ पे हाइबरनेशन के ड्यूरिंग जाते हैं, इस ड्यूरेशन में इनका बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके उस टेम्परेचर, उस ड्यूरेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्टाइवेशन, ठीक है, कुछ विंटर स्लीप शो करते हैं तो कुछ समर स्लीप शो करते हैं, ठीक है, समर्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, तो ऐसे में जो है इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। इट इज अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी ड्यूरिंग समर मंथ सो एज टू एस्केप फ्रॉम द स्कॉर्सिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है, हीट से बचने के लिए ये छुप जाते हैं, ये समर स्लीप के ऊपर चले जाते हैं। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन लंग फिशेस, प्रोटोप्टेरस के अंदर ये कॉमनली देखने को मिलता है, जो कि रिमेन सराउंडेड इन ए कोकन ऑफ स्लाइम इन अ ट्यूब लाइक बरो, ठीक है, ट्यूब लाइक बरो होती है उसके अंदर ये छिपी रहती है। लेडी बर्ड बीटल हो गई और सर्टेन बग्स और स्नेल्स जो हो गए वो समर स्लीप शो करते हैं, तो समर्स के टाइम पे क्या करते हैं, ये जो है स्लीप के ऊपर चले जाते हैं या फिर डोरमेंसी के अंदर चले जाते हैं, इनएक्टिवनेस के अंदर चले जाते हैं, ताकि इनकी बॉडी की हीट जो है, बॉडी का टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट वो सारे क्या हो जाए, कम हो जाए। इन मैनी इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, माइट, स्नेल्स, एस्टिवेशन इज करेक्टराइज्ड बाई डाइपो, ठीक है, इसको डाइपोज भी बोला जाता है, सस्पेंशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, एंड इस टाइम पे जो मॉर्फोलॉजिकली डिवेलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट होती है, वो रुक जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो इसलिए इसको डाइपोज बोला जाता है। पीरियोडिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि किस पीरियड के अंदर ये एक्टिव होते हैं, किस पीरियड के अंदर एक्टिव होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये होता है पीरियोडिक एक्टिविटी के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे पोइकिलोथर्मल एनिमल्स है, जैसे कि लिजार्ड हो गई, ये ओरोरल और वेस्परल या फिर दोनों हो सकती है, यानी कि ओरोरल क्या होता है, डॉन पीरियड के अंदर या फिर अर्ली मॉर्निंग के अंदर, एंड ये इवनिंग के अंदर, या फिर ये दोनों भी शो कर सकते हैं कि इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग ये निकलते हैं। स्नेक्स जो है जनरली नॉक्टर्नल होते हैं, जो कि रात को ही निकलते हैं। कैलोटिस, क्रोकोडाइलस, टेस्टुडो वार्म अप देयर बॉडी बाय बास्किंग इन द सन ड्यूरिंग डे, ये क्या करते हैं, डे के टाइम पे बास्किंग करते हैं। कई बार अगर आप लोगों ने देखा हो तो जू में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो वहां पे जो वाटर बॉडीज होती है, अगर वहां पे क्रोकोडाइल्स है, तो वो दिन के टाइम पे क्या होते हैं, वो एक तरह से ऐसे नजर आते हैं कि वो जैसे मर गए हों, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, वो बास्किंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, सन टाइम ड्यूरिंग डे टाइम, सन उस टाइम पे सनलाइट होती है, और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो ये पीरियोडिक एक्टिविटी होती है।
इसके अंदर पोइक्लोथर्मस, ओरोरल और वेस्परल हो सकते हैं स्नेक्स, नॉक्टर्नल होते हैं कैलोटिस, क्रोकोडाइलस, टेस्टुडो, ये क्या करते हैं, बास्किंग करते हैं सन सन के अंदर, बास्किंग करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, और ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट साइक्लोमोर्फोसिस। साइक्लोमोर्फोसिस की अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। मोर्फोसिस यानी कि शेप की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइज की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, चेंज इन बॉडी शेप विद सीजनल टेम्परेचर चेंजेस हैज बीन ऑब्जर्व इन स्मॉल एक्वेटिक क्रिएचर्स जैसे कि क्लेडोसेरा एंड डेफनिया के अंदर देखने को। ये क्या करते हैं, जैसे ये बॉडी सीजनल टेम्परेचर जो होता है, यानी कि इस सीजन के अंदर ज्यादा टेम्परेचर हुआ, इस सीजन के अंदर कम टेम्परेचर हुआ, तो उस टेम्परेचर के ड्यूरिंग ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते हैं। डैफनिया, साइज ऑफ द हेलमेट ऑन द हेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डैफनिया के अंदर क्या होगा, जो इसका साइज है हेड का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है थर्मल माइग्रेशन। थर्मल माइग्रेशन के अंदर क्या होगा यहाँ पे, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो माइग्रेशन होगी, ठीक है, माइग्रेशन या फिर मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, इसको थर्मल माइग्रेशन बोलेंगे। इट इन्वॉल्व्स द शॉर्टर और लॉन्गर, इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टर और लॉन्गर जर्नीज हो सकती है अंडरटेकन बाई एनिमल्स सो टू रजिस्ट द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। तो ये क्या कर सकते हैं, जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि टेम्परेचर जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो या तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो, तो जिस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जर्नी करते हैं, या तो वो जर्नी लॉन्गर हो सकती है या तो वो शॉर्टर हो सकती है, उस टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए, फिर उस टेम्परेचर से बचने के लिए। नॉक्टर्नल एक्टिविटी ऑफ सम डेजर्ट एनिमल्स टेम्पररली गोइंग इन वॉटर बाई फ्रॉक्स, टर्टल्स एंड मैनी एम्फीबियस फॉर्म्स, लॉन्ग ट्रिप माइग्रेशन बाई मैनी बर्ड्स जैसे कि आर्कटिक टर्न हो गया, साइबेरियन क्रेन्स हो गए, अमेरिकन गोल्डन प्लोवर हो गए, मैमल्स के अंदर बाइसन, रेनडियर, कारेबाउ हो गए, फीसिस के अंदर एंगुला, सालमोन हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, थर्मल माइग्रेशन की वजह से, थर्मल टेम्परेचर की वजह से माइग्रेशन शो करते हैं, मूव कर जाते हैं। जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल एक्टिविटी शो करते हैं, वो रात को निकलते हैं, टेम्परेचर उस टाइम पे कम होता है, और फ्रॉक्स जो हैं, टर्टल्स जो हैं, और बहुत सारी एम्फीबियंस फॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर चली जाती है टेम्पररली। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे कि आर्कटिक टर्न हो गया, साइबेरियन क्रेन्स हो गए, वो भी क्या करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। कुछ मैमल्स एंड कुछ फिशेज भी क्या करती है, माइग्रेशन शो करती है। तो माइग्रेशन किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से होती है। इसके बाद आता है थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस एंड थर्मल रेगुलेशन। स्टेसिस यानी कि एक कांस्टेंट यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो रहेगा। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट कैसे किया जाता है, थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इसलिए इनको होमियोथर्मस और एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है टू डील विद टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सर्दी हुई या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, ठीक है, हम हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमें कंपकपी चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें पसीने आने लग जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो खुद उसको कूल या फिर उसको हीट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारे अंदर हम होम्योथर्मल्स हैं, तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकती है। जिनकी बॉडी मेंटेन नहीं कर सकती है वो या तो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी शो करते हैं। दिस इज अचीव थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज ड्यूरिंग समर एंड थ्रू इंसुलेटिंग एक्शन ऑफ फर, फीदर्स, फैट एक्सेट्रा। तो इनके अंदर क्या होता है यहाँ पे, ये जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, ठीक है, ड्यूरिंग समर्स एंड थ्रू इंसुलेटिंग एक्शन हो सकता है, फर हो जाए जो कि इवेपोरेशन ना होने दे बॉडी की, फीडर्स हो जाए, फैट की लेयर आ जाए, तो वो बॉडी से पानी की इवेपोरेशन या फिर वो पानी को बाहर निकलने नहीं देगी। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, कोल्ड वेदर ऑफ विंटर मंथ्स, कंजर्वेशन ऑफ बॉडी हीट बाय अ लेयर ऑफ पैनिकुलस एडिपोसस, ठीक है, एक एडिपोसस यानी कि फैट की लेयर हो जाएगी ऑफ सबक्यूटेनियस जोन, स्पेशली इन वेल्स, सीज, पोलर बियर, एलिफेंट, इरेक्शन ऑफ हेयर बाय एरेक्टर
पिलाई मसल्स टू ट्रैप देयर एयर एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। तो ये सारी यहाँ पे एक्टिविटी शो की जाती है जिसकी वजह से थर्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस होता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो जो वाटर है बॉडी के अंदर वो बाहर इवेपोरेट ना हो, उसके लिए को फर हो गया, फैट की कोट हो गई, फीदर्स हो गए, वो उसको बचा के रखेंगे। या फिर कोल्ड वेदर के अंदर क्या होता है, हीट बाहर ना जाए, तो हीट की कंजर्वेशन हो, जिसकी जो है वो ये अचीव की जाती है, एक लेयर पैनिकुलस एडिपोसस ऑफ सबक्यूटेनियस जोन, एक लेयर बना दी जाएगी फैट की, एंड या फिर एडिपोस टिश्यू की, वेल सीज सील्स एंड पोलर बियर्स और एलिफेंट्स के अंदर। या फिर जो हेयर होते हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, उनकी इरेक्शन कर दी जाएगी, कि जो उनके हेयर्स हैं वो खड़े हो जाएंगे, बाई एरेक्टर पिलाई मसल्स टू ट्रैप मोर एयर एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। तो ये सब एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे जो टेम्परेचर है या फिर होम्योथर्मी है वो मेंटेन कर की जाती है। इन दीज एनिमल्स हाइपोथैलेमस एक्ट एज थर्मोस्टेट। ऐसे एनिमल्स के अंदर हाइपोथैलेमस जो है थर्मोस्टेट की तरह एक्ट करता है, यानी कि एक तरह से टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए वो उसके लिए वो यूज होता है। इसके बाद बिहेवियर जो होता है, टेम्परेचर चेंजेस आल्सो इंड्यूस सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे कि थर्मोटैक्सिस हो सकती है, यानी कि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स हीट, हीट की तरफ ओरिएंटेशन हो जाए। टिक्स लोकेट देयर वार्म ब्लडेड होस्ट, रैटल, स्नेक वाइपर्स एक्सेट्रा कैन डिटेक्ट देयर प्रे बाय देयर बॉडी हीट। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी जो प्रे को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये प्रे को डिटेक्ट कर सकते हैं उनकी बॉडी हीट के थ्रू। तो ये भी एक उनका बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस क्या होंगी, जैसे कि ये शो किया गया है, बताया गया एल्टन बर्ज एंड मूलर ने, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यानी कि फ्रूट फ्लाई के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से ज्यादा वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी। तो इनडायरेक्टली क्या करता है, टेम्परेचर वेरिएशंस कोज करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्स रेशो। अगर सेक्स रेशो की बात करें, कुछ एनिमल्स के अंदर सेक्स रेशियो इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मैक्रोसाइक्लोप्स एल्बिडा। ठीक है, मैक्रोसाइक्लोप्स एल्बिडा के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो जो नंबर ऑफ मेल्स है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ मेल्स भी इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा जीनोपाइसीला सियोप्सिस के अंदर क्या होता है, यानी कि रेट फ्लूज के अंदर क्या होता है, मीन टेम्परेचर जो है 21 to 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये क्या फेवर करता है, मोर फीमेल्स फेवर करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, सेक्स रेशो को एक तरह से अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, टेम्परेचर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं, एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है टेम्परेचर की। जैसे कि कोरल रीफ शो मैक्सिमम ग्रोथ एट 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर कोरल्स मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं, कोरल रीफ एंड सो आर टोटली एबसेंट इन कोल्डर एरियाज। इसलिए कोरल रीफ्स जो है वो कोल्डर एरियाज के अंदर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होगा, एंड इनको ग्रोथ के लिए चाहिए टेम्परेचर, जो कि जैसे कि यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसके ऊपर ये अपनी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम शो करते हैं। तो ये क्या होगा, एक तरह से एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि टेम्परेचर की वजह से है। सिमिलरली, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेक्टल्ड ट्राउट इज 14 to 19 डिग्री सेल्सियस, सो इज ऑल टूगेदर एबसेंट फ्रॉम स्ट्रीम्स टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है यहाँ पे स्पेकल ट्राउट की, ये 14 to 19 डिग्री सेल्सियस है।
अगर इसके बाद इससे ऊपर टेम्परेचर होता है, जैसे कि 24, मोर देन 24 टेम्परेचर होता है यहाँ पे स्ट्रीम्स के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये एबसेंट होता है, ठीक है, वहां से क्या होता है, ये एबसेंट होता है, तो भी ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर की वजह से है। इसके बाद यहां तक हमने देख लिया कि टेम्परेचर का अफेक्ट एनिमल्स के ऊपर क्या होता है। इसके बाद है टेम्परेचर का अफेक्ट एनिमल्स के ऊपर क्या होता है। एग्जाम के अंदर सिंगली ये भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, या टेम्परेचर का इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, या फिर सिंपली जो है थर्मल रेगुलेशन, या फिर पूछा जा सकता है कि थर्मल फैक्टर क्या होते हैं और कैसे कैसे ये वेरिएशंस कोज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेम्परेचर बेस्ड जोन, ठीक है, जो टेम्परेचर की वजह से अलग अलग जोन बनते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूडनल जोन, लैटिट्यूडनल जोन, एल्टीट्यूडनल जोन एंड इक्वेटिक स्ट्रेटिफिकेशन, एंड थर्मल रेगुलेशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। तो ये जो है हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मेटाबोलिज्म। टेम्परेचर रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स, जैसे कि ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीड जर्मिनेशन, इनको क्या करता है, इनको अफेक्ट करता है या फिर इनको रेगुलेट करके रखता है एक्सेट्रा थ्रू द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीड जर्मिनेशन रेगुलेट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोपरियोडिज्म, ठीक है। टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में प्लांट्स क्या करते हैं, जो फ्लावरिंग करते हैं उसको थर्मोपरियोडिज्म बोला जाता है। वाइल इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, ठीक है। जैसे ही लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर आया एंड इस लो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में जो फ्लावरिंग होती है, इस लो टेम्परेचर का जो पीरियड होता है, इसके जस्ट बाद जो फ्लावरिंग होती है उसको वर्नलाइजेशन बोला जाता है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लाइसेंको इन विंटर वीट वैरायटी व्हिच वाज स्टिमुलेटेड टू फ्लावर इन स्प्रिंग आल्सो, ठीक है। जो क्या की जाती है, जब स्प्रिंग आता है विंटर्स के बाद पे, उस टाइम पे ये फ्लावरिंग करती है। तो ये रिप्रोडक्शन भी, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन टेम्परेचर अफेक्ट करता है। लेटर इट वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द विंटर वेराइटी ऑफ सिकेल सीरियली, यानी कि राई के अंदर, एंड हायोस्काइमस नाइजर यानी कि हैनबेन के अंदर, ये भी ये क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया कि इनके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे इनकी रिप्रोडक्शन के अंदर भी टेम्परेचर इनको अफेक्ट करता है। मेल्कस प्रपोज दैट इन द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इज थ्रू अ फाइटो हॉर्मोन नेमली वर्नलिन। अब ये जो जब ये टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर की वजह से एक हार्मोन जो है उसका इंडक्शन होता है, एक फाइटोक्रोम, ठीक है, फाइटो हार्मोन का, ठीक है, एक प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलेंगे, उसका इंडक्शन होता है एंड उसको बोला जाता है वर्नलिन, ठीक है, वर्नलिन इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का प्लांट्स की, बोथ एक्सट्रीमली लो एंड हाई टेम्परेचर रिटार्डेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ज्यादा भी एंड कम भी, दोनों ही टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लो टेम्परेचर ऑल्सो नोन टू कोज डेसिकेशन। लो टेम्परेचर अगर होगा तो ये डेसिकेशन कोज कर देगा, इंजरी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, चिलिंग इंजरी कोज कर देगा, इंजरी ऑफ प्लांट ऑफ हॉट क्लाइमेट एंड फ्रीजिंग इंजरी टू द प्लांट ड्यू टू आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है इसको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, या तो ये डेसिकेशन कर सकता है, ये चिलिंग इंजरी कर सकता है, या तो ये फ्रीजिंग इंजरी कर सकता है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर बेस्ड जोनेशन कौन से होते हैं, टेम्परेचर बेस्ड के जोन जो बनते हैं, एल्टीट्यूडनल, लैटीट्यूडनल एंड जो इक्वेटिक स्ट्रेटिफिकेशन होती है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे लैटीट्यूडनल जोन्स। लैटीट्यूडनल जोन्स कौन से होंगे, As many as six temperature-based terrestrial latitudinal zones are differentiated north of equator, each being characterized by specific vegetation type. ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, इस साइड यहाँ पे स्नो आइस यानी कि साइड इस साइड जाते हैं तो पोल्स हो गए, तो इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बने हुए, लैटिट्यूड्स है, स्ट्रेटा है, जैसे कि स्नो टुंड्रा हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो गया
स्नो, ये स्नो हो गया, फिर टुंड्रा हो गया, फिर उसके बाद कॉनिफ्रस हो गए, डेसीडियस हो गए, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेजिटेशन इनके अंदर होती है, इन स्पेसिफिक जोन्स के अंदर। एंड ये किसकी वजह से होते हैं, ये टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। इसके बाद एल्टीट्यूडनल जोन्स कौन से होंगे, एज मैनी एज फोर टेम्परेचर बेस्ड टेरिस्ट्रियल एल्टीट्यूडनल जोन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सिक्स टेम्परेचर बेस्ड टेरिस्ट्रियल जोन होते हैं, यहाँ पे फोर टेम्परेचर बेस्ड टेरिस्ट्रियल एल्टीट्यूडनल जोन्स होते हैं, यानी कि जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, उस टाइम पे बनते हैं। एंड डिफ्रेंशिएटेड इंटू हिमालयाज ईच हैविंग स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप, एल्पाइन हैविंग रोडोडेंड्रोन एंड जूनिपर्सस होते हैं यहाँ पे, एक फिर टेम्परेट जोन होता है, एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं। तो ये भी क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जोन हो गए। सबसे पहले हिमालयाज हो गए, फिर इसके बाद यहाँ पे अल्पाइन हो गए, फिर टेम्परेट हो गए, एंड देन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हो गए। तो ये हाइट जो जैसे जैसे यहाँ पे हाइट की वजह से ये जोन्स बनते हैं, एंड इसी जिस हाइट के ऊपर प्रेजेंट है उसी के हिसाब से इनका टेम्परेचर होगा, एंड उसी के हिसाब से इनकी वेजिटेशन टाइप होगी। इसके बाद थर्ड आता है यहाँ पे इक्वेटिक स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन है यानी कि लेयर्स का बनना, इक्वेटिक यानी कि किसी भी इक्वेटिक बॉडी के अंदर। इन डीप लेक्स थ्री स्ट्रेटा आर डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। डीप लेक्स के अंदर तीन स्ट्रेटा होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक बोला जाता है यहाँ पे एपीलिम्नियोन, ठीक है। सबसे ये एपीलिम्नियोन हो गया, फिर यहाँ पे होता है अपर मोस्ट जोन होता है जहाँ पे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फिर होता है थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन इज बिटवीन 5 to 22 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वन इज द सबसे नीचे जो है हाइपोलिम्नियोन, ठीक है। ये लास्ट वन क्या है, हाइपोलिम्नियोन लोएस्ट जोन होता है जहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर तक, 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर के बेस पे अलग अलग जोन बने हुए हैं, एंड इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, या फिर प्लांट बॉडीज देखने को मिलती है, या फिर वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसके बाद थर्मल रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, ठीक है। थर्मल रेगुलेशन कैसे होगी, प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एक्सट्रीम्स क्या हो गए, या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, बाय डेवलपमेंट ऑफ थिक क्यूटिकल। एक तो ये थिक क्यूटिकल बना लेते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर फर होता है, एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, वैसे ही एक थिक क्यूटिकल बना लेते हैं, या फिर ये थिक कोट की लेयर बना लेते हैं, डेंस हेयरी कोट बना लेते हैं, म्यूसिलेजिनस या फिर ये टैनिंस बना लेते हैं, ठीक है। टैनिंस जो है वो शो करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनके अंदर क्या हो सकती है, खुद को बचाने के लिए, टेम्परेचर रेंज से बचने, एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मेकेनिज्म होते हैं। पेंटोसान म्यूसिलेज हैज हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है। पेंटोसान म्यूसिलेज जो होती है उसके अंदर हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ताकि वो डेसिकेशन से बच सके जो भी प्लांट है। ड्राई सीड्स हैव लो बाउंड वाटर एंड, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, ड्राई सीड्स के अंदर लो बाउंड वाटर होता है, कैन विदस्टैंड वेरी लो टेम्परेचर, एंड ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इवन -190 डिग्री सेल्सियस पे भी फॉर अबाउट 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। सम पेरिनियल प्लांट्स आल्सो कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर्स, जैसे कि इनको कोल्ड रेजिस्टेंस बोला जाता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट स्टोर फैट्स विच लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फैट्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां तक हमने क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया है। लाइट के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अंदर इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ठीक है। एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होती है जो कि एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप की ह्यूमिडिटी आती है, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच द एयर कैन होल्ड एट सेचुरेशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर
जो भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर एज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये क्या होगी, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच एयर कैन होल्ड, ठीक है, जिसको एयर होल्ड कर सकती है एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, इट इज अफेक्टेड बाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी से अफेक्ट होता है क्योंकि जैसे ही डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ही डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो जाता है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डबल्स विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, वेजिटेशन एंड सोइल वाटर, ठीक है, ये क्या कर सकती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर एटमोस्फियरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो एटमोस्फियर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है एटमोस्फियरिक ह्यूमिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आती है एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच द एयर कैन होल्ड, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर एयर होल्ड कर सकती है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड इट इज अफेक्टेड बाई लाइट इंटेंसिटी, ये लाइट इंटेंसिटी से इफेक्ट होती है, टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। इसके अलावा जब जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डबल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जैसे जितना एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज होगा टेम्परेचर के अंदर तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। विंड वेलोसिटी, वेजिटेशन एंड सोइल वाटर, तो ये क्या की जाती है, इनसे ये अफेक्ट की जाती है। इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एक इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर से मेजर की जा सकती है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, दोनों की ही लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इन एपीफाइट्स, ठीक है, एपीफाइट्स के अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती है उसको क्या करती है, उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करती है। एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपीफाइट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं जैसे कि ऑर्चिड्स हो गया, सच प्लांट्स ग्रो इन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉल्ड हाइग्रोफाइट्स, जैसे कि लाइकेंस हो गए, ठीक है, ज्यादा ह्यूमिडिटी के अंदर ग्रो करते हैं इसलिए इनको हाइग्रोफाइट्स बोला जाता है। इट रेगुलेट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसपिरेशन एंड परस्पायरेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इवेपोरेशन जो होती है वाटर की बॉडी से ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ट्रांसपिरेशन होगी, परस्पायरेशन होगी, उसको भी ये रेगुलेट करके रखते हैं। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्पोर्स इन फंजाई, ठीक है, टेम्परेचर क्या करके रखता है, इसको भी जो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो इसको भी क्या करके रखती है, प्रमोट करती है, जो स्पोर्स की फंजाई के स्पोर्स की जो जर्मिनेशन है उसको भी प्रमोट करके रखे। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रमोट द डिवेलपमेंट ऑफ स्पाइन्स, हेयर, थॉर्न्स, सकुलेंट लीव्स ऑफ स्टैम्स, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्ट्रोमेटा, इंक्रीज सकुलेंसी एक्सेट्रा इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे डेजर्ट के अंदर होती है तो ये डिवेलपमेंट करती है स्पाइन्स की, हेयर्स की, थोन्स की, सकुलेंट लीव्स ऑफ स्टेम्स की, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्ट्रोमेटा एंड इंक्रीज सकुलेंसी, तो ये सब भी किसकी वजह से होता है, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉज पुअर डिवेलपमेंट ऑफ वास्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, एंड जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे पुअर डिवेलपमेंट होती है वास्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू की एंड पैलिसेड टिश्यू की भी, सो द प्लांट्स इलोंगेटेड, थिनर एंड पेलर, ठीक है, वो कैसे होते हैं, प्लांट्स इलोंगेटेड होते हैं, थिनर होते हैं एंड वो पेल कलर के होते हैं, यानी कि पेलर होते हैं। सिमिलरली सर्टेन एनिमल्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन एरियाज विद हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या किए जाते हैं यहाँ पे, सर्टेन एनिमल्स भी जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, वाइल सम आर फाउंड इन द एरियाज विद लो ह्यूमिडिटी जैसे कि डेजर्ट के अंदर, मैनी एनिमल्स अकर इन एरियाज विद इंटरमीडिएट ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो कहाँ होते हैं, मोस्टली वो इंटरमीडिएट ह्यूमिडिटी के अंदर होंगे, ठीक है, तो डेजर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम ह्यूमिडिटी होगी एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होगी। नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है विंड, ठीक है, विंड जो है यहाँ पे एयर इन मोशन इज कोल्ड विंड, जब एयर मोशन में होती है उसको विंड बोलते हैं,
स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड वेलोसिटी, स्पीड को विंड वेलोसिटी बोला जाता है, एंड कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है. इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही अफेक्ट कर सकती है विंड. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सोइल इरोजन, ठीक है, सोइल इरोजन करती है, सो रिड्यूसिंग सोइल फर्टिलिटी, तो सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. This also cause desertification by sifting of sand particles to the fertile areas. जो फर्टाइल एरियाज है वहां पे सोइल का इरोजन होगा, सोइल वहां से उड़ के जाएगी, या फिर ज्यादा हवा चलेगी तो सोइल वहां से उड़ जाएगी हवा के साथ, तो ये desertification भी कोज करता है. This cause losing, यानी कि flattening of plant against the ground of plants like wheat, rice, maize, oats, sugarcane, etc. जो crops होती हैं, crops क्या हो जाती है, जब ज़्यादा तेज हवा चलती है, wind चलती है, तो वो ढह जाती है नीचे की तरफ. This increase the rate of evaporation and transpiration. And rate of evaporation and transpiration दोनों को ही ये increase करती है, leading to desiccation which cause dwarfism. तो ये डेसिकेशन कोज करेगी, जिसकी जो क्या कोज करेगा यहाँ पे, ड्वार्फिज्म कोज करेगा इन प्लांट्स विच जनरली टेक कुशन फॉर्म, ठीक है, जनरली वो ऐसे कुशन झाड़ी जैसे वो बन जाते हैं. दीज हेल्प इन पोलिनेशन इन द एनिमोफिलस जिम्नोस्पर्म, जैसे कि पाइनस हो गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे कि कैनाबिस हो गया, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलिनेशन में हेल्प करती है विंड. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अफेक्ट हो गए. Wind helps in dispersal of many seeds, fruits, seeds, spores, eggs, even some adult animals like winged insects, ballooning spiders, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में help करती है. The animals may appear even in those areas where these were earlier absent. Dispersal of seeds and fruits by air is called anemochoric, ठीक है, जो seeds and fruits का dispersal है एयर के थ्रू उसको एनिमोकोरी बोला जाता है. प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर एनिमोकोरी, एंड जो प्लांट्स एनिमोकोरी शो करते हैं उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि जो पाइनस के सीड्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं ताकि वो दूर तक जा सके और वो वहां पे उग सके. एंड इसके अलावा कोमा इन सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस, इसके अलावा परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल होता है इनके अंदर विद फ्रूट्स ऑफ क्लीमेटिस, एंड पेपस विद फ्रूट ऑफ ट्रैगोबोगन, ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको एनिमोकोरी के अंदर हेल्प करते हैं. यूनिडायरेक्शनल विंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैग ट्रीज, यूनिडायरेक्शनल विंड यानी कि सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती जा रही है, तो वो क्या करती है, डिवेलपमेंट ऑफ फ्लैग ट्रीज विद ब्रांचेस डायरेक्टेड इन वन साइड, जैसे कि ऐसा है एक ट्री उसकी ब्रांचेज जो है सिर्फ एक तरफ ही झुक गई है, ठीक है, वो एक तरफ ही झुक गई है अगर ऐसे यूनिडायरेक्शनल विंड चलती है तो. ऑन हिल टॉप्स एंड सी शोर्स वाइल मैनी ट्रीज, जैसे कि पाइनस के अंदर बिकम इनक्लाइन, ठीक है, वो इनक्लाइन भी हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली जो यहाँ पे ब्रांचेस होगी वो एक साइड में दिखेगी, जैसे कि हिल टॉप्स एंड सी शोर्स के ऊपर होती है, वहाँ पे हवा चलती है, वो यूनिडायरेक्शनल चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वो प्लांट जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर झुक जाते हैं. This also help in migration of flying animals. Flying animals की migration में भी ये help करती है. Plants may develop eccentric secondary growth leading to anatomical deformities, जैसे कि reddish colored xylem called reaction or compression would on the compressed side. ठीक है, compressed side जो होगी उस side पे क्या कर लेंगे ये एक जो है reddish colored का xylem form कर लेंगे. तो जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज है वो भी हो जाती है. इसके बाद एक आता है साल्ट स्प्रेज. साल्ट स्प्रेज क्या होता है, विंड मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, जो सी से लैंड की तरफ विंड मूव कर रही है, सी के अंदर क्या है, साल्ट होता है, ठीक है, तो जो ये सी से लैंड की तरफ मूव करती है जो विंड, कैरीज थिन फिल्म ऑफ साल्ट विच इज स्प्रेड ऑन द कोस्ट वेजिटेशन, तो जो किनारे पे जो वेजिटेशन होगी उसके ऊपर ये क्या हो जाएगी, स्प्रे हो जाएगी. द प्लांट रेजिस्टेंट टू दिस हाइपर सैलिनिटी शैल सर्वाइव वाइल मैनी प्लांट्स डाई ड्यू टू डेसिकेशन बाय एक्सोस्मोसिस. कुछ तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर गए हैं वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेसी एक्सोस्मोसिस की जिससे उनका डेसिकेशन हो जाएगा और वो डाई हो जाएंगे, तो इसको साल्ट स्प्रे बोला जाता है, ये भी विंड की वजह से होता है. इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेनफॉल और एटमोस्फेरिक प्रेसिपिटेशन,
नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है रेनफॉल. रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. दोनों का ही सोर्स क्या होता है? रेनफॉल होता है. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एयर व्हेन सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स एट द सेम टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर. द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल ग्रेटली अफेक्ट द वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन की जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, दोनों को ही रेनफॉल अफेक्ट करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर हैविंग हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर सो विद हाई रिलेटिव आर विद एवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड एबिडेंट फोना. ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो वो कैसे होते हैं? एवर ग्रीन फॉरेस्ट और विद एबिडेंट फोना होते हैं. इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, और विंटर्स के टाइम पे अगर हैवी रेनफॉल होती है जिन एरियाज के अंदर, लो रेनफॉल ड्यूरिंग समर आर विद द स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट. वो कैसे होते हैं? स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट होते हैं. थर्ड वन इज द एरियाज विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर. समर के टाइम पे ज्यादा रेनफॉल हो और विंटर के टाइम पे कम हो तो ये ग्रास लैंड से करेक्टराइज किए जाते हैं. The areas with scanty rainfall have deserts with xerophytic vegetation. जहाँ पे कम बारिश होती है उनको xerophytic vegetation होती है. तो यहाँ तक हमने different different climatic factor जैसे कि light, temperature, humidity, wind and rainfall discuss कर लिए. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे edaphic factors के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे soil के बारे में. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. Thank you so much.